hello students in this video we are going to discuss class 10th cbse standard mock test now first of all let us look at the general instructions so the time is for 3 hours and the maximum marks are 80 the question paper has five sections a b c d and e now section a has 20 questions carrying one mark each these are mcqs right section b has five questions carrying two marks each Section C will have 6 questions carrying 3 marks each. Section D will have 4 questions carrying 5 marks each. Now, last section C has 3 case based integrated units of assessment of 4 marks each with sub parts of values 1, 1 and 2 marks each, respectively. Also, all the questions are compulsory. However, internal choice in 2 questions of 5 marks and 2 questions of 3 marks and 2 questions of 2 marks has been provided. Now, an internal choice has also been provided in 2 marks questions in section E. Now, you need to draw neat figures wherever required and take the value of pi as 22 by 7 wherever required. Now, first of all, we come to section A, which is multiple choice questions, and each question would be carrying 1 mark each. Firstly, look at question number 1. इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स टीचर्स एम एंड एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एम इक्वल टू एक्स स्क्स क्यूब वाई स्क्वेयर वेर एक्स आर प्राइम नंबर्स देन वी हैव टू फाइंड एच सी एफ ऑफ एम एंड एन एच सी एफ का मतलब हाइस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें जैसे एम दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई टू द पावर फाइव और एन की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अब अगर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो अगर हम एक्स की पावर्स में देखें तो हाइएस्ट पावर टू है और अगर वाई की पावर्स में देखोगे तो वाई में भी हाइएस्ट पावर कितनी है टू है तो इसका मतलब एच सी एफ ऑफ एम एंड एन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क् वाई स्क्वेयर विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए मूविंग ऑन लेट्स एट क्वेश्चन नंबर टू

एंड वाई इक्वल टू माइनस सिक्स उसकी नीचे आएगी ये ब्लू लाइन है वाई इक्वल टू माइनस सिक्स तो पैरल लाइन एक भी पॉइंट पे मीट नहीं करती दैट मींस नो सोल्यूशन सो दैट मीन्स इन दिस केस एप्शन वुड बी करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर थ्री वी है पोलिनोम पी एक्स इन द गि गिवन फिगर तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये फिगर है जिसमें जीरोस का मतलब होता है कितने पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट पे कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स राइट सो देर फोर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट मूविंग ऑन लेट्स नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लेट मी राइट द इक्वेशन हेयर के एक्स एक्स प्लस प्लस टू टाइम्स थ्री के इज इक्वल टू जीरो तो आपको दिया है सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अब आपको फॉर्मूला याद होगा सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का तो समूट हमारा जो है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपन अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं एक्सक्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो सो वी कैन सी दैट ए इज के वैल्यू ऑफ बी इज टू एंड वैल्यू ऑफ सी इज थ्री टाइम्स के तो यहां सब्स्यूट कर दो दिस इज माइनस टू ओवर के इज इक्वल टू थ्री के डिवाइडेड बाई के सो के गेट्स कैंसल्ड वी गेट -2 is equal to 3 times k so therefore value of k comes out to be -2 over 3 so we can see here c option is correct moving on let's have a look at question number 5 ap ka question hai fifth term of an ap is 20 and sum of seventh and 11th terms is 64 तो यहां पे हम एपी की बात कर रहे हैं मान लो उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो आपको फिफ्थ टर्म कितनी दी है ट्वेंटी तो मतलब हो गया हमें पता है है टर्म का क्या होता है? A plus N minus 1 into D. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस फोर डी विच इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यहां से हम ए को डी की टर्म्स में लिख सकते हैं इट इज ट्वेंटी माइनस फोर डी नेक्स्ट कंडीशन आपको दी है सम ऑफ सेवंथ टर्म एंड इलेवंथ टर्म इज सिक्सटी फोर अगेन एनएस टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेवन्थ टर्म विल बी ए प्लस सिक्स डी टेंथ टर्म विल बी ए प्लस टेन डी दिस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर विच मीन्स वी गेट टू टाइम्स ए प्लस सिक्सटीन टाइम्स डी इज सिक्सटी फोर लेट इज डिवाइड बाई टू सो वी गेट ए प्लस एट टाइम्स डी इज इक्वल टू थर्टी टू ए की वैल्यू यहाँ से ट्वेंटी माइनस फोर डी हम पुट कर देते हैं

that means here c option will be correct now let's have a look at question number 6 points p q and r these are the vertices of a triangle you have to tell the triangle is scalene equilateral obtuse angled or right angled now for that we need to find the sides of the triangle we know the distance formula that distance between two points with coordinates x1 y1 x2 y2 is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right now let us first of all find the distance pq now p has coordinates 0 comma 6 and q has coordinates minus 5 comma 3

थ्री कॉमा वन तो क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा इट विल बी थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव का स्क्वेयर और वन माइनस थ्री स्क् विल्सटी फोर माइनस टू का स्क्वायर फोर है सो दिस इज अंडर रूट ऑफ सिक्स नाउ फाइंड थर्ड साइड पी आर वेयर पी हैज कोऑर्डिनेट्स जीरो सिक्स एंड आर हैज कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा वन So, PR by distance formula will come out to be 3 minus 0 square plus we have 1 minus 6 square. Now, this will be equal to 3 square that is 9 minus 5 square is 25. So, again it is equal to root 34. Now, if you look at the sides, the triangle is definitely not scalene. So, A option is wrong because all sides are not unequal, two sides are equal. Also, it is not equilateral because all sides are not equal. Now, will it be obtuse angled? Now, observe one thing that 34 plus 34 will give you 68. So, we get PQ square plus PR square to be equal to 34 plus 34, which is nothing but 68, and 68 is QR square. So, that means. Here, Pythagoras theorem is satisfied where QR would be the hypotenuse. Is it alright? So, QR will be the hypotenuse, this is P. So you can see we have PQ and P R to be equal, and this angle would be 90 degree because here Pythagoras theorem is satisfied. So it is a right angled triangle. So D option is correct. Question number 7 is: if the point R divides the join of P and Q internally. In the re given ratio m1 is to m2, then you have to find the coordinates of point r. Now, look here, we are talking about internal division, that means we are talking about section formula. Alright? So, this question is based directly on section formula. So, we are going to apply section formula. Now, how do we apply this? Let us see. Now, if you have this line segment pq, p has coordinates x1, y1. And we have q having coordinates x2 y 2. Now, there is this point r on this line which is dividing P q in the ratio m1 is to m 2. So, how do we write by section formula coordinates so far? We m would be multiplied by coordinates on the other side and m 2 on this side. So, x coordinate here of r would be m1 x 2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Similarly, y coordinate will be m1 y2 plus we have m2 y1 divided by m1 plus m2. Now, these are the coordinates so far. So, you can see here we have m 1 x 2 plus m 2 x 1 see whichever term you can write first so it is m 1 x 2 plus m 2 x 1 over m 1 plus m 2 similarly m 1 y 2 plus m 2 y 1 over m 1 plus m 2 so that means here c option is correct now moving on let's have a look at question number 8 in the joining figure if exterior angle e a b you can see this is the exterior angle e a b it is 110 degree then this angle cad is given to be 35 degree ab is 5 centimeters so this ab is 5 centimeters all right and ac is 7 so this is 7 centimeters and bc is 3 centimeters then we need to find cd all right so this bc total is 3 centimeters cd we want to obtain so we can assume let cd to be equal to x centimeters now if cd is x that means your db will be 3 minus x centimeters right because total bc is 3 centimeters now look here how can we do this question first of all if this exterior angle is 110 degree then you know that angle cab in totality will be equal to 180 degree minus 110 degree that is 70 degree now also as you can see angle cad is 35 this implies angle dab will be equal to angle cab minus angle cad that means it is equal to 70 degree minus 35 degree which is equal to again 35 degree so it means that these two angles are equal so, this means that your AD is angle bisector, internal angle bisector. Alright? So, if it is angle bisector, then we can apply angle bisector theorem. Now, the theorem says that bisector of an angle divides the opposite side, that is BC, in the ratio of the sides containing the angle. So, th according to the theorem, we will have CD over DB to be equal to ratio AC over AB. वैल्यूज पुट कर देते हमने एक्स माना हुआ है डी बी है ए बी कितना दिया हुआ है फाइव इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव एक्स इज इक्वल टू सेवन थ्री ट्वेंटी वन माइनस सेवन एक्स दिसन प्लस फाइव ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन Which means x would be equal to 21 divided by 12. 3 se cancel kar do. 3 7s are, 3 4s are. So that means x is equal to 7 by 4 which is nothing but 1.75. So x is 1.75 centimeters. That means here C option is correct. Moving on, let's have a look at question number 9. क्वेश्चन नंबर नाइन है इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू अ सर्कल राइट सर्कम्स कर रहा है मतलब साइड्स टच कर रही है सर्कल को सो दैट द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी टच द सर्कल सो दैट इज द मीनिंग व्हेन वी से कि क्वाड्रिलेटरल इज सर्कम्सक्राइबिंग द सर्कल और किन पॉइंट्स पे टच कर रहा है पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली अब आपको दिया है अगर ए बी एक्स है अब आप फिगर में देखो दिस टोटल ए बी इज गिवन टू बी एक्स देन बी सी इज गिवन टू बी सेवन बी सी इज दिस थिंग दिस साइड टोटल दिस इज गिवन टू बी सेवन फिर हमें दिया है सी आर थ्री है सी आर इज दिस दिस इज थ्री सेंटीमीटर्स और ए एस कितना है फाइव सेंटीमीटर्स नाउ इसमें वी आर गोइंग टू यूज दैट

क्यू बिकॉज वो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंशन हो गई और दोनों कितनी होंगी थ्री के इक्वल तो इसका मतलब आपके पास सी क्यू कितना आ गया थ्री अब आप देखो टोटल सी बी सेवन है सो वी कैन फाइंड क्यू बी दिस विल बी इक्वल टू सेवन माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू फोर अब अगर हम B से देखें तो टेंजेंट्स ड्रॉन है BQ और BP, सो वी हैव BQ टू बी इक्वल टू बी पी ओके

एंड मेजर ऑफ एई आपको निकालना है तो ए आपका ये डिस्टेंस है जो आपने फाइंड आउट करना है नाउ लुक हेयर अगेन आप देख सकते हो कि सर्कल पे ए बी एंड ए सी एंड डीई आर टेंजेंट्स सो ए सी एंड डीई दीज आर टेंजेंट्स टू द सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट से फिर से टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ सो योर ई पी विल बी इक्वल टू सी e, सो so, इसका मतलब यह हो गया इपी e, हमें थ्री दिया हुआ है सो ई सी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया थ्री आ गया सो so दिसना e, है तो हम रिज्यूम कर लेते हैं लेट एक्वल टू एक्स सेंटीमीटर्स तो यह हमारा एक्स सेंटीमीटर्स हो गया सो देर फोर वी कैन फाइंड ए सी नाउ ए सी विल बीवल टू ए प्लस ई सी ए e, हमने एक्स माना है EC सी थ्री आया है इज इट ऑल राइट सो ए सी इज एक्स प्लस थ्री सेंटीमीटर्स observe ऑब्जर्व ए बी और ए सी टेंजेंट्स हैं तो वो भी एक्सटर्नल पॉइंट से हैं तो लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ ए सी लेंथ ए बी आपको एट दी है ए सी इज एक्स प्लस थ्री सो सॉल्विंग वी गेट एक्स टू बी इक्वल टू फाइव

टैन थीटा और प्लस कॉट थीटा तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप देखो जो बहुत सारी ऐसे रेशोज होती है ना तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो दैट इज द बेस्ट थिंग सो वी हैव वन अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा बिकॉज यू नो को सिकंड थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा फिर सिकेंड थीटा इज वन अपॉन कॉस्थीटा माइनस कॉस्थीटा और यहाँ टैन कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं सो वी हैव साइन थीटा अपॉन कॉस्थीटा प्लस वी हैव थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अब एलसीएम ले लो हर एक ब्रैकेट्स में सो साइन थीटा यहां पे अगर हमने एलसीएम लिया वी गेट वन माइनस साइन स्क्वेर थीटा सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम है हमारा थीटा सो वी आर गेटिंग वन माइनस कॉस स्क्वेर थीटा थर्ड ब्रैकेट में एलसीएम है कॉस्थीटा इंटू साइन थीटा तो हमारे पास न्यूमिरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अब देखो न्यूमिरेटर सॉल्व करने के लिए तीनों ब्रैकेट्स में हमें एक ही आइडेंटिटी चाहिए विच इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज वन अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है देन वी नो दैट साइन स्क्वेयर थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्र थीटा इसी आइडेंटिटी से और इसी आइडेंटिटी से यह भी मिलता है थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय बायर थीटा डिनोमिनेटर यही रखो सेकेंड वन माइनस कॉस्क्वेर थीटा इज साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस थीटा वन होता है डिवाइडेड बाय कॉस्थीटा इन टू साइन थीटा अब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो सो वी हैव कॉसक्वेर थीटा इन साइन स्क्वेर थीटा डिनोमिनेटर भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यू कैन सी वी हैव साइंस स्क्वेर थीटा इन टू कॉस स्क्र थीटा सो कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ गया वन सो दैट मीन्स हेयर इन दिस क्वेश्चन इलेवेंथ वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ अब इसमें आपको दिया है कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू टू इज इट ओके और हमें देखो वैल्यू किसकी चाहिए वी नीड वैल्यू ऑफ कॉट स्क्र ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वेर ए वैसे तो देखो हमें पता है कि कॉटे और टैने आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो वन अपॉन कॉटे को टैने लिख सकते हैं पर इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो निकालनी है वैल्यू वो भी कॉट की टर्म्स में ही है तो उसके लिए जो ये गिवन है इसमें हम सीधा करेंगे

दिस इज इक्वल टू फोर अब यहां पर देखो कॉट ए कैंसिल हो गया टू को राइट साइड पर ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास आ गया कॉट स्क्वेर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वेर ए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी राइट सो दिस विल बी इक्वल टू फोर माइनस टू विच इज नथिंग बट टू सो दैट मीन्स इन दिस वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट राइट आगे चलते हैं लुकेट क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टींथ क्वेश्चन हमारा ये है अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व किलोमीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थर्टी डिग्री अब देखो जैसे हमारे पास ये मान लो हमारा ग्राउंड है तो प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट सो मान लो ए पॉइंट पे हमारे पास एयरपोर्ट है और

साइन थर्टी की वैल्यू पुट कर दो वन बाय टू सो वन बाय टू इज एच यू क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वेल्व इज टू टाइम्स एच टू से डिवाइड करो तो एच की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स सो यूनिट्स किलोमीटर्स है सो एच विल बी सिक्स किलोमीटर्स दैट मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 वन सेंटीमीटर्स सो अ सर्कल हैज रेडियस ट्वेंटी वन

डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज तो इसमें हमें थीटा कितना दिया है 60 डिग्री तो पुट कर दो वैल्यूज ये हो गया हमारा पाई 22 टू बाय सेवन आर स्क्वेयर मीन्स ट्वेंटी वन इन थीटा है 60 और डिवाइडेड बाय 360। तो कैंसिल करो सेवन थ्री सा यहाँ पे ये यह कैंसिल कर देते हैं 60 को इससे ये सिक्स आ गया देन थ्री टू सा टू को भी कैंसिल करो यहाँ पे आ गया 11.

सप्टेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर सो देखो अगर हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसकी अगर आप एक कॉर्ड लेते हो लेट मी डिनोट द कॉर्ड बाई ए बी तो आपको ये कहा है कि सेंटर पे, सपोज हमारा सेंटर ओ है तो दस कॉर्ड इज सप्टेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है ये भी रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा और रेडियस कितना दिया है टेन सेंटीमीटर राइट आपको बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अब माइनर सेगमेंट आपकी ये शेडेड रीजन होगा दिस इज दाइनर सेगमेंट जिसका एरिया चाहिए सो रिक्वायर्ड जो एरिया है हमारा शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर राइट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अब सेक्टर का एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वेयर थीटा ओवर थ्री सिक्सटी डिग्री और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इन टू हाइट अब देखो यहाँ पे ये यह पाई है दिस इज आर स्क्वेयर थीटा इज नाइंटी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी अब यहाँ पे आप नोटिस करो माइनस हाफ अब इस ट्राइंगल में अगर हम बेस ओ बी ले लें ओके तो हाइट ओए हो जाएगी ना क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है तो मतलब बेस भी हमारा r है और हाइट भी हमारी r है इज इट ओके तो यहाँ पे अगर आप चाहो एक तो 90 को कैंसिल कर दो यहाँ पे ये यह 4 आ गया हम इन दोनों में r2 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में बचा क्या वी गेट पाई बाय 4 एंड -1/2 इज इट ओके अब आप r की वैल्यू पुट कर दो r 10 है तो दिस इज 100 उ मच थ्री मच 3.14 आपको क्वेश्चन में दिया है डिवाइडेड बाय फोर माइनस हाफ विच इज इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लेते हैं द वैल्यू विल कम आउट टू बी 28.5 एट पॉइंट इज इट ओके ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेर दैट मीन्स डी ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट राइट मूविंग ऑन लेट्स नाउ एट क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉबिबिलिटी का है क्वेश्चन इज कार्ड विद अपिल्वेंटी फाइव एंड प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थर्ली एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव अब ध्यान रखो और नहीं एंड कहा है दोनों का मल्टीपल होना चाहिए तो पहले तो देखो अगर हम टोटल वेज लें तो कोई भी कार्ड का नंबर हो सकता है तो मतलब 25 में से कोई भी कार्ड आ सकता है तो टोटल वेज तो 25 हो गए अब अगर हमें फेवरेबल वेज चाहिए फेवरेबल वेज के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि नंबर ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव तो दोनों थ्री और फाइव का मल्टीपल होने का मतलब है नंबर ऑन कार्ड इज मल्टीपल ऑफ फिफ्टीन अब देखो वन टू ट्वेंटी फाइव में फिफ्टीन का मल्टीपल एक ही होता है कौन सा फिफ्टीन नंबर तो इसका मतलब फेवरेबल वेज हमारे पास कितने हो गए गिवन बाय फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज सो प्रोबिबिलिटी इज वन बाय ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट राइट मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ थर्टीन इन सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस तो जब दो डाइस फेंकते हो तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने होते हैं थर्टी सिक्स अब आपको कहा है कि सम थर्टीन होना चाहिए ऑल right. तो सम जो है थर्टीन कब होगा मान लो ये इवेंट ए है तो क्या क्या आपके पास ऑडिट पेयर्स आएंगे ए में अब देखो मैक्सिमम नंबर सिक्स और सिक्स होता है तो अगर आप इनका सम लोगे तो ट्वेल्व आएगा इसका मतलब ए आपका जो है एक तरह से क्या हो गया एम्प्टी सेट कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं इसमें क्यों नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम सम जो दो नंबर्स का होता है दैट इज थर्टीन सो दैट मीन्स हेयर ए इज एम्प्टी सेट सो देर फोर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में देखें तो वो जीरो है तो so प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है ना फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन टोटल सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू जीरो ओवर थर्टी सिक्स विच इज दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास अब देखो मोडल क्लास क्या होती है क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोड यही होता है ना मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो मोडल क्लास इज क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब आप देखो टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इट इज फिफ्टीन तो मोडल क्लास हमारे पास हो गई एटी टू नाइनटी तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है एटी सो दैट मीनस ए ऑप्शन ऑन चलते हैं अगले दो क्वेश्चंस पे जो कि है असरशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस तो इन क्वेश्चंस में असरशन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है ए ऑप्शन होगी कि ए और आर दोनों ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी ऑप्शन तब लेनी है आपने जब ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिर सी ऑप्शन तब लोगे ए ट्रू है आर फॉल्स है और डी तब लेंगे जब ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो इसके ऊपर नाइनटीन क्वेश्चन हम देखते हैं असर्शन है इफ यू ज्वाइन टू हेमिसफेयर ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देअर बेसिस देन वी गेट अर जो कि बात सही है देखो अगर आप एक फेयर को देखो तो एक तरह से वो दो हेमी स्फेयर ज्वाइन किए हुए हैं ठीक है ना अलॉन्ग देयर बेसिस तो जो इस क्वेश्चन में हमारे पास एसर्शन है दैट इज एब्सोल्यूटली ट्रू अब रीजन <coughs> क्या है अ टैंक इज मेड अपर विथ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड तो देखो यह टैंक ऐसे बना हुआ है इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड ये देखो ये डिप्रेशन हो गया फिर आपको कहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज वन पॉइंट फोर फाइव मीटर्स तो ये जो हाइट है ये हमें कितनी दी है वन पॉइंट फोर फाइव मीटर्स एंड रेडियस इज थर्टी सेंटीमीटर्स तो ये हमारा रेडियस है तो रेडियस आपको दिया है थर्टी सेंटीमीटर्स का मतलब हमारे पास हो गया हंड्रेड से डिवाइड करो जीरो पॉइंट थ्री मीटर बिकॉज रिमेंबर वी हैव टू कीप द यूनिट सेम तो वो बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक की तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया टैंक का क्या होगा इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर एच और प्लस हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फेर जो कि होगा टू पाई आर स्क्वायर अब आप इन दोनों टर्म्स में देखो टू पाई आर कॉमन है बचा हमारे पास एच प्लस आर वैल्यूज़ तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं सो दिस बी इक्वल टू टू इन टू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इन टू एच विच इज वन पॉइंट फोर फाइव और प्लस रेडियस विच इज पॉइंट तो ये आपके पास हो गया कितना 44 फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री इंटू वी हैव वन पॉइंट सेवन फाइव Or divided by seven, is it okay? So here, if you cancel, this will be 0.25. So that means we are getting this to be equal to 44 multiplied by this would be 0.075. Okay? So on multiplication, this will give you 3.3 meter square. So that means surface area of tank is definitely this. So that means the reason is true. बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन तो दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो यहां पे इसमें हम बी ऑप्शन टिक करेंगे इज इट ओके सो इन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 19 वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट मूविंग ऑन 20 पे चलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन ये है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी माइनस फाइव एसर्शन की बात करते हैं तो इसमें एपी एक दी है माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो अगर हम डी ले तो माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव विच इज नाइनस वन प्लस फाइव विच इज फोर राइट इससे इसको माइनस किया तो हमारे पास फोर आ रहा है सिमिलरली थ्री माइनस ऑफ माइनस वन इज फोर सेवन माइनस थ्री इज ऑल्सो फोर सो डेफिनेटली इट इज एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस फोर तो एसर्शन हमारा ट्रू हो गया अब हम रीजन पे चलते हैं रीजन है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी a, a plus d, a plus 2d is given गिवन d is इज इक्वल टू term टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये बात सही है कि अगर एपी है तो second टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो ये ट्रू है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो गई ओके नाउ दिस was सेक्शन ए नाउ विल बी मूविंग टू सेक्शन बी नाउ सेक्शन बी Uh, this section comprises of uh, five questions of two marks each now the first question in this section is question number 21 now what is the smallest number which when divided by 20 25 35 and 40 leaves remainder of 14 19 29 and 34 respectively now for that first of all we are going to find the lcm of 20 25 35 and 40 now if you do the prime factorization the 20 ki prime factorization is 4 fives of 20 so it is 2 square into 5 raised to 1 similarly 25 ko likh sakte hai, 5 square then 35 can be written as 5 raised to 1 into 7 raised to 1 or 40 is equal to 8 fives of 40 that means 2 cube into 5 raised to 1 टू रेस पर थ्री इंटू फाइव रेस परीव रिमेंडर ट्वेंटी शुड लीव रिमेंडर फोर्टीन नो ट्वेंटी माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू सिक्स सिमिलरली ट्वेंटी फाइव माइनस नाइनटीन इज ऑल्सो इक्वल टू सिक्स फिर थर्टी फाइव माइनस 29 is also equal to 6 and 40 minus 34 is also equal to 6 alright so this is the uh, common value which needs to be subtracted from 1400 so 1400 minus 6 would be equal to 1394 so this is the smallest number which when divided by 20 25 35 and 40 would leave remainder 14 19 29 and 34 respectively नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए बी सी इज अ ट्राइंगल सच दैट ए बी अपॉन ए सी तो हमें अपॉन डी सी अब ए बी इज दिस साइड देन ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी तो इसका मतलब हमारे पास क्या इंप्लाई करता है ये कि ए डी इज एंगल बायसेक्टर

प्लस एंगल 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री सो दिस सम टोटल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री दैट मींस एंगल बी ए वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो बी ए ये वाला जो एंगल है इट विल बी हाफ ऑफ टोटल एंगल सो देर एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स इट इज नथिंग बट थर्टी डिग्री सो दैट इज गोइंग टू बी दंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रा एंगल और बी पे आप देख सकते हो राइट एंगल हमारा बन रहा है बी सी सिक्स सेंटीमीटर्स बी सी हमारा ये टोटल है

स्क्वेयर क्यों स्क्तर बन रहा है तो रेडियस पर हो गए और अगर दो साइड आर है तो अपोजिट साइड इक्वल होकर चारों साइड भी इक्वल हो गई तो यह स्क्वेयर बन गया इज इट ऑल राइट सो दैट मीनस वी हैव बीक्यू एंड बीपी बोथ आर इक्वल टू आर बीक्यू एंड बीपी बोथ आर इक्वल टू आर अब हम ये देखते हैं कि टोटल BC अगर हमारे पास सिक्स है तो QC कितना हो जाएगा दिस विल बी सिक्स माइनस आर और क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक तरह से टेंजेंट इक्वल होती है सो सी क्यू एंड सी आर बोथ विल बी इक्वल एंड बोथ विल बी सिक्स माइनस आर सो वी हैव सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू सिक्स माइनस आर अब टोटल ए बी हमारे पास अगर एट है तो पी कितना हो जाएगा एट माइनस आर और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंगे तो पी ए आर ए आर विल ऑल्सो बी एट माइनस आर सो दैट वी गेट ए आर टू इक्वल टू ए पी विच इज इक्वल टू एट माइनस आर अब आप ऑब्जर्व करो यहां से हमें ए सी कितना मिल गया ए सी विल बी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर इज इट ओके सो इट विल बी ए आर प्लस सी आर तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू एट माइनस आर प्लस सिक्स माइनस आर विच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू आर अब क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास एंगल बी नाइन्टी डिग्री है सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इज इट ओके उससे हम ए सी निकाल सकते हैं सो वी हैव ए सी स्क्वेर टू बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर

अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर थीटा अगर हमें टू साइन टू की वैल्यू रूट थ्री दी है अब हमारे पास आइडेंटिटी है कि प्लस कॉस स्क्र टू थीटा इज इक्वल टू वन सो दैट मीन्स कॉस स्क्र टू थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर टू थीटा तो यहां से साइन टू थीटा की वैल्यू

तो लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ करनी है वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर है हमारे पास प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब देखो क्योंकि हमें टैन और सीकेंड में प्रूफ करना है तो हम ये भी कर सकते हैं दोनों टर्म्स में वी कैन डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा तो पहली टर्म यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज टैन थीटा प्लस वन दिस विल बी टेन थीटा माइनस वन सिमिलरली सेकेंड टर्म विल बी टैन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस वन अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम हो गया टेन थीटा माइनस वन इन टू थीटा प्लस वन और हमारे पास न्यूमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी टेन थीटा प्लस वन स्क्वेर और इसी तरह से टेन थीटा माइनस वन का स्क्वायर इज इट ऑल राइट सो पहले हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया अब ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दो सो दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू टैन थीटा सेकेंड टर्म में ए माइनस बी होल स्क्वायर सो वी हैव टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू टैन थीटा और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट मीन्स इट इज टेन स्क्वेयर थीटा माइनस वन अब न्यूमिनेटर में ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज सीकेंड स्क्र थीटा तो ये भी सीके स्क्वेयर थीटा हो गया ये भी सीके स्क्वेयर थीटा हो गया सो दिस इज टू सीके स्क्र थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वेयर थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट मूविंग ऑन लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25 ए बी सी डी हमारे पास एक फ्लावर बेड है ओ बी आपको 21 दिया है ओ डी इज 14 यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द बेड सो ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है सो दिस रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर सो मान लो आउटर सेक्टर जो है पूरा सेक्टर ओ बी ए इसका मान लो एरिया हम ए वन से डिनोट करते हैं और अंदर वाला जो सेक्टर है ओ डी सी सपोज एरिया इज ए टू सो दिस विल बी ए वन माइनस ए टू अब देखो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा ओवर थ्री डिग्री और राइट मान लो आउटर वाले जो बाहर वाला है उसका रेडियस कैपिटल आर है विच इज ट्वेंटी वन मीटर्स और अंदर वाला स्मॉल आर है लाइक दिस इज ट्वेंटी वन राइट ये पूरा जो है हमारा 21 वन है ओ बी दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर सेक्टर और इनर वाले सेक्टर का रेडियस ओ डी स्मॉल आर विच इज फोर्टीन मीटर्स तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं जैसे पहले वाला जो हमारे पास एरिया आएगा उसमें कैपिटल आर ले रहे हैं सो दिस कैन बी टेकन एज नाउ पाए कैपिटल आर स्क्वेयर लुखेर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सो दिस इज पाए थीटा ओवर ओवर 360 डिग्री अब पाए थीटा ओवर 360 कॉमन है और थीटा कितना है 90 सो दिस इज 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री टाइम्स कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वा

Look at this now. Capital R plus R means 21 plus 14 and then 21 minus 14. So, this is equal to 11 over 7 times 2 multiplied by. This will be 35 and this would be 7. So, 7 hamara cancel ho gaya. So, this is 11 into 35 divided by 2. Is it okay? So, this will come out to be equal to 385 by 2. Which is nothing but 190, all right? And the units बट be meter square now moving on let's बी मीटर look नाउ मूविंग ऑन लेट्स का और वाला पार्ट क्वेश्चन वॉज फाइन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्वाड्रेंट मीन्स कि जब हमारे पास वन फोर्थ पार्ट होता है तो हमें उसका सरकमेंस एरिया चाहिए जिसका सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है तो जैसे क्वाड्रेंट आपका ये हो जाएगा

तो 22 कैंसिल कर दो तो वी गेट आर एज़ 7/2 सो 7/2 सेंटीमीटर इज द रेडियस अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई r² थीटा ओवर 360 डिग्री सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज पाई की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं सो पाई विल बी इक्वल टू नाउ 22/7 r हमारा 7/2 है तो r² मींस 7/2 7/2 थीटा इज नाइन्टी एंड डिवाइडेड बाई देन थ्री सिक्सटी तो ये कैंसल होके हमारे पास फोर आ गया सेवन यहाँ पे कैंसल करो टू यहाँ पे कैंसल करो कितना आ गया एलेवन सो दैट मीन्स वी गेट सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई एट सो इधर यू कैन राइट लाइक दिस सेवेंटी सेवन बाई एट सेंटीमीटर स्क्वेयर या फिर उसको डिसमिल में कन्वर्ट कर लो तो इट विल बी नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर now after that we come to section c section c comprises of 6 questions of 3 marks each so her question is 3 marks so let us see the first question in this section krish exercises every 12 days and nand every 8 days krish and nand both exercise today after how many days uh, how many days will it be until they exercise together again तो दोबारा कब दोनों इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे दैट विल बी सिंपली एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 यू नो दैट 12 इज 3 फोर ज ट्वेल्व सो दैट मीनस 3 इंटू टू स्क्वेर एंड 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब सो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 2 क्यूब इंटू एट दैट इज इक्वल टू टू क्यूब इन सॉरी थ्री सो यहां पे थ्री ले लो इट विल बी टू क्यूब टाइम्स थ्री दैट इज एट टाइम्स थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो दे विल एक्सरसाइज अगेन आफ्टर ट्वेंटी फोर डेज राइट अगर आज एक्सरसाइज करिए तो उसके बाद इकट्ठे ट्वेंटी फोर डेज के बाद करेंगे ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाडेटिक पोलिनोमियल दिस इज थ्री टू फाइंड द अदर रूट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अब देखो आप कैसे निकालोगे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस बी मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए जो कि इस केस में कितना हो गया थ्री बाय टू तो आपको एक रूट थ्री दिया है तो एज्यूम कर लो कि अल्फा थ्री है तो पुट कर देते हैं थ्री प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री बाय टू सो लेट इज सॉल्व टू फाइंड द अदर रूट बीटा इट विल बी थ्री बाय टू माइनस थ्री टेक दल्सियम सो इट इज थ्री माइनस सिक्स मीन दूसरा रूट हमारे पास जो बीटा है, है. So उसके लिए हम रूट्स ले लेते हैं अल्फा बीटा फॉर्मूला इज सी ओवर ए तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू थ्री है और बीटा हमने निकाला है माइनस थ्री बाय टू सी है आपका पी और ए कितना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क् टू तो सॉल्व कर लेते हैं मतलब माइनस नाइन बाई टू इज इक्वल टू पी बाय टू टू गेट्स कैंसल्ड सो दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ पी एज माइनस नाइन तो दो चीजें आपको बतानी थी एक तो अदर रूट बीटा जो कि है माइनस थ्री बाय टू एंड देन द वैल्यू ऑफ पी विच इज माइनस नाइन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होगा मान लो यूनिट प्लेस पे एक्स है टेंस प्लेस पे वाई है तो नंबर हो गया टेन वाई प्लस एक्स तो पहली कंडीशन ये दी है कि जो नंबर है दैट इज इक्वल टू फोर टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स मतलब फोर टाइम्स एक्स प्लस वाई पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं सो वी हैव टेन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर वाई

30 plus 6, that means the number is 36. That is going to be the answer. Right? Moving on, let's have a look at question number 28 ka or wala part. A man has only 20 pesa coins and 25 pesa coins in purse. If he has 50 coins in all, totaling 2 rupees 11.25, How many coins of each kind does he have? अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो निकालना होता है ना उसको हम एज्यूम करते हैं तो आपको ये बताना है, तो कर लो, लो, 20 पैसा हमारे पास है और ट्वेंटी फाइव पैसा क्वॉइन्स हमारे पास कितने तो पहले तो हमें यह कहा गया है कि टोटल फिफ्टी क्वाइंस है दैट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन फिर टोटल अमाउंट कितना है 11.25 अब ये रुपीस में है तो इसका मतलब ये हो गया 1125 पैसा तो टोटल अमाउंट कितना हुआ अगर 20 पैसा कॉइंस आपके पास x हैं तो टोटल मनी हो गई 20x पैसा और 25 पैसा कॉइंस y हैं तो ये हो जाएगा 25y तो टोटल अमाउंट इन पैसा विल बी 1125 इज इट ओके अब देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है अगर आप चाहो तो पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हो You can uh, divide by 5. Alright? This equation can be divided by 5. So we have 4x plus 5y. This is equal to 5 2s are 10. Then we have 12, 5 2s are 10, and 5 5s are 25. Now you replace y. Y can be taken as 50 minus x. So let us replace. So we have 4x plus 5 times 50 minus x is nothing but 2.

50 minus x that means 50 minus 25 which is again equal to 25. इसका मतलब आपके पास 20 पैसा कॉइंस भी कितने हैं 25 हैं 25 कॉइंस हैं और 25 पैसा के भी हमारे पास कितने कॉइंस हैं 25 कॉइंस हैं राइट दैट इज गोइंग टू बी द आंसर नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 29 ज्वाइनिंग फिगर एल एंड एम आर टू पैरल टेंजेंट टू अल तो यहां पर हमें एल और एम पैरल दिया है और यह दोनों ही क्या है टेंजेंट है सर्कल को फिर हमें कहा है विद सेंटर है एस टी इज टेंजेंट सेगमेंट बिटवीन द टू पैरल टेंजेंट तो एस टी भी हमारे पास एक टेंजेंट है क्वेश्चन इज दैट और ये टेंजेंट हमारी जो एस है ये सर्कल को कहां टच कर रही है देखो क्यू पे टच कर रही है तो आपको शो करना है कि एंगल इज 90 डिग्री तो ये वाला एंगल हमने शो करना है नाइन्टी डिग्री है उसके लिए वी आर गोइंग टू डू सम कंस्ट्रक्शन सपोज ये जो एल टेंजेंट है मान लो ये टच करती है सर्कल को एट पॉइंट ए और मान लो एम टेंजेंट कर रही है बी पे अब क्योंकि सेंटर है तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें देखो ओ ए को तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिमिलरली इफ यू ज्वाइन ओ बी देन इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो वी हैव ओ ए परपेंडिकुलर टू एल एंड वी हैव ओ बी परुलर टू एम इज इट ओके तो आपके पास यहाँ पे ये एंगल नाइंटी डिग्री हो गए ये भी 90 डिग्री हो गया ये भी 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब आपके पास ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन राइट ए ओ बी हमारे पास क्या हो गई एक स्ट्रेट लाइन आ गई अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ज्वाइन ओ क्यू लेटर्स ऑल्सो ज्वाइन ओ क्यू तो ओ क्यू हम ज्वाइन कर देते हैं यहां पे लुक लुकेयर नाउ लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स लुकेट ट्राइंगल ओ ए एस एंड ट्राइंगल ओ क्यू एस अब आप इसमें नोटिस करो ओ एर ओ क्यू इक्वल है वाई बिकॉज दे आर रेडिया राइट ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू बोथ आर रेडिया चीज हम ये नोटिस करते हैं कि एस ए जो है वो एस क्यू के इक्वल होगा टेंशन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट राइट सो एस ए विल बी इक्वल टू एस क्यू बिकॉज लेंथ ऑफ टेंशन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल ऑल्सो कॉमन साइड है तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस आ गई यहाँ पे तो ओ एस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू एस बाई एस 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 तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ एस और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए ओके लेट मी कॉल दिसटा तो ये भी थीटा वन कह दो दिस इज थीटा वन सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा वन सो देर फोर आई हैव एंगल ए ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस एंड बोथ विल बी इक्वल टू थीटा वन अब देखो सिमिलरली हम ये शो कर सकते हैं कि ये वाले दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रोवेंट हैं तो सिमिलरली वी कैन शो ट्राइंगल बी ओ टी इज कॉन्ग्रोवेंट टू ट्राएंगल क्यू ओ टी राइट right? और इसमें भी फिर कॉरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे लेट अस कॉल देम एज थीटा टू सो दैट विल गिव अस एंगल बी ओ टी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ टी बोथ कैन बी टेकन एज थीटा टू अब आप देखो टोटल एंगल ए ओ बी जो है क्योंकि हमने कहा था वो स्ट्रेट लाइन है तो वन एटी डिग्री होगा सो दैट मीन्स वी हैव ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल थीटा वन प्लस थीटा वन मतलब टू थीटा वन और थीटा टू प्लस थीटा टू टू थीटा टू दिस हंड्रेड एंड एटी डिग्री टू से डिवाइड कर दो सो थीटा थीटा टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब आप यहां पे देखो थीटा वन प्लस थीटा टू ये पूरा एंगल हो गया वॉट इज दिस एंगल नथिंग बट एस ओ टी सो दिस एम्प्लाइज एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री राइट सो दिस वॉज द क्वेश्चन आगे चलते हैं ना और वाला पार्ट इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का तो क्वेश्चन ये है फिगर सर्कल इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल तो इसका मतलब ट्राइंगल की साइड सर्कल्स को टच सर्कल uh, को टच कर रही हैं तो ए बी ए बी बी सी ए सी को सर्कल टच करता है कहाँ पे डी e, और एफ पे देन यू आर गिवन ए बीज ट्वेल्व ए बी देखो ये वाली साइड है पूरी सो दिस इज गिवन टू बी ट्वेल्व सेंटीमीटर्स फिर आपको बीसी एट दिया हुआ है सो दिस टोटल इज एट सेंटीमीटर्स एंड ए सी इज गिवन टू बी टेन सेंटीमीटर्स राइट अब निकालना क्या है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ एडी बीई एंड सी एफ तो हम रिज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले मान लो एडी आपका एक्स है नाउ लुक लुख केयरफुली इन द फिगर ये ए डी अगर एक्स है तो ए एफ बी एक्स होगा बिकॉज लेंथ ऑफ टेंशन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए विल बी इक्वल so this implies ad will be equal to af and both will be equal to x ab dekho total ab aapke paas agar 12 hai to iska matlab ye ho gaya ki bd jo hai that will be equal to 12 minus x so this will be 12 minus x ab external point se tangent equal hai to be aur bd equal होंगे so this implies right this is 12 so this implies be will also be equal to ट माइनस एक्स अब हम यहां पे देखते हैं सी एफ लुकियर टोटल ए सी अगर टेन है तो हमें ये भी दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू टेन सो दिस एम्प्लाइज सी एफ विल इक्वल टू हाउ मच इट विल बी इक्वल टू टेन माइनस एक्स क्योंकि Afx था. अब अगेन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल तो सी एफ किसके इक्वल होगा सीई के तो इसका मतलब आपके पास सीई बी e कितना हो गया टेन माइनस एक्स अब देखो बी और CE अगर हम इनको एड कर लें तो दैट मीन्स बी ई प्लस कितना हो गया बी सी दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एक्स प्लस टेन माइनस एक्स और आपको बी सी एट दिया है सो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस टू एक्स सो यहां से हमारे पास आ गया टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस एट विच इज इक्वल टू फोर्टीन दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्स एज सेवन अब देखो क्या क्या निकालना था ए डी निकालना था जो कि हमने एक्स लिया था यह आ गया हमारे पास सेवन सेंटीमीटर फिर आपको पूछ रहे हैं फिर आपको पूछ रहे हैं सी एफ सी एफ एज यू कैन सी इज टेन माइनस एक्स दैट मीनस इट इज इक्वल टू टेन माइनस सेवन टू थ्री सेंटीमीटर राइट मूविंग ऑन लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्टी आपको कहा है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी नाइन्टी डिग्री है सो लेट एस ड्रॉ अ ट्राइंगल जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल बी एंगल हमने नाइन्टी डिग्री लेना है सो सपोज हमारे पास ये ट्राएंगल हो गया दिस इज ए बी एंड सी तो एंगल बी हमारा नाइन्टी हो गया टेन ए इज गिवन टू बी वन ओवर रूट थ्री राइट टन अगर वन बाई रूट थ्री है दैट मीन्स एंगल ए विल बी थर्टी डिग्री तो ये वाला एंगल हमारा थर्टी आ गया तो क्योंकि सम ऑफ एंगल्स वन एटी होता है तो एंगल सी वुड बी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस थर्टी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री दैट मीन्स एंगल सी वुड बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो दिस एंगल वुड बी सिक्सटी राइट अब देखो हमें क्या चाहिए पहला पार्ट लेते हैं इसका First part is we need to calculate sin a cos c plus cos a sin c, right. So, let us plug in the values of angles. So, here get sin 30 degree into cos of 60 degree plus we have cos 30 degree into sin 60 degree. So, sin 30 ki value 1 by 2, cos 60 b 1 by 2 plus. कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू साइन सिक्सटी भी रूट थ्री बाय टू सो दिस इज इक्वल टू वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर विच इज इक्वल टू फोर बाय फोर विच इज वन तो ये प्रूव हो गया सिमिलरली लेटे टेक्स सेकेंड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी अगेन एंगल्स पुट कर दो सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थर्टी डिग्री इन टू कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री माइनस Sine of 30 degree into sine 60 degree. Again, values put karte, to cos 30 degree, hamare paas hoga root 3 by 2, cos 60 is 1 by 2, minus. sine 30, 1 by 2, Sine 60, root 3 by 2. So, this is equal to root 3 by 4, minus root 3 by 4, which is equal to 0. So, these are the two parts of question number 30. Moving on, let's have a look at question number 31. थर्टी वन में आपको कहा है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स फिफ्टी वन गर्ल्स ऑफ क्लास ऑफ अ स्कूल कंडक्टेड एंड द टेंकूलिंग डेटा द मीडियन हाइट अब देखो आपने मीडियन निकालना है अब देखो आपको एक तरह से जब ऐसे दिया होता है लेस देन वन फोर्टी वाले फोर हैं लेस देन वन फोर्टी फाइव एंड सोवन तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्लास इंटरवल्स क्या ले सकते हैं कि जैसे आप लेस देन वन फोर्टी ले रहे हो तो ये लेस देन 140, फोर्टी ऑल राइट फिर आप 155, और फिर वन फिफ्टी से लेकर कितना 160, और फिर 160 से लेकर हमारे पास 165. अब ये हमें क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं देखो 4, 11

टोटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 51 है तो एन बाई टू निकालेंगे पहले 51 वन बाई टू विच इज़ 25.5 तो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 11 ख़त्म होता है तो इसका मतलब ये वाला क्लास इंटरवल ट्वेल्थ से लेकर ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन तक केटर करता है तो हमारी ट्वेंटी फाइव पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी इसी में लाई करेगी तो ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गई टू वन फिफ्टी अब मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इट इज गिवन बाय एल प्लस एन बाय टू माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ टाइम्स एच वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि है वन फोर्टी फाइव और एन बाय टू हमने निकाला ही है इट इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव राइट सी होता है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास तो ये इलेवन हो गई और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमें चाहिए विच इज इक्वल टू एटीन ओके और एच होता है साइज ऑफ मीडियम क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 150 फिफ्टी माइनस फोर्टी फोर्टी फाइव इज फाइव नाउ लेट प्लग इन द वैल्यूज सो वी हैव एम इक्वल टू L is 145 plus n by 2, as we can see, is 25.5 minus it will be 11 divided by f, which is 18 and multiplied by 5. Now, on solving, this would be equal to 145 plus now this would be equal to 25.5 minus 11 and multiplied by 5, that would be 72.5 divided by 8, that means it is equal to 145. Plus, it will be approximately now 72.5 over 8 will be 4.03. So, on adding, we get 149.03. Alright. So, this would be the median height. Is it okay? Moving on, now we come to section D. Now, this section comprises of 4 questions of 5 marks each. Now, the very first question in this section is question number 32. थर्टी सेकेंड क्वेश्चन इज दैट तरुणा कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स हर वन आवर मोर एक घंटा ज्यादा लगता है टू रो द बोट 5.25 पॉइंट टू किलोमीटर्स अप देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो अपस्ट्रीम जाने में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम मान लो अपस्ट्रीम जो है हमारे पास टाइम लग रहा है आपका सपोज T1 hours, alright. And suppose downstream jo hai jaane mein, suppose the time taken is T2 hours, right? Then what is given to you? That it takes one or more to row the boat upstream. That means we have T1 minus T2, this would be equal to 1. Now look here. Let us assume we are also given the speed of the boat in still water. So suppose the speed of boat in still water is u. Is it okay? So speed of boat in still water let it be equal to u. So this is given to be five kilometers per hour. Now, find the speed of the stream. So that means we need to find speed of stream. Is it all right? स्पीड ऑफ स्ट्रीम वी दिस वी कैन इज्यूम टू बीवल टू एक्स किलोमीटर्स पर आवर अब देखो अपस्ट्रीम जो है आपका देन द स्पीड वुड बी यू माइनस वी और डाउन स्ट्रीम में हमारे पास जो स्पीड है वो एड हो जाती है दैट इज यू प्लस वी एंड वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और यू कैन इंटरप्रेट इट एज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड तो टी वन कितना हो जाएगा डिस्टेंस कितना दिया आपको 5.25 पॉइंट किलोमीटर्स और स्पीड अपस्ट्रीम है यू माइनस वी दैट मीन्स 5 माइनस एक्स माइनस टी टू अगेन द डिस्टेंस इज द सेम देन स्पीड डाउन स्ट्रीम वुड बी यू प्लस वी इसका मतलब हमारे पास हो गया फाइव प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन नाउ दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व टू फाइंड एक्स सो टेक फाइव पॉइंट टू फाइव कॉमन We have one upon five minus x minus one upon five plus x is equal to one. Now, here in bracket, LCM. So we have five point two five. This would be five minus x into five plus x, and the numerator here would be five plus x minus of five minus minus plus x. Now this is equal to one. All right. Now uh, five point two five can be taken as राइट नाउ यू कैन टेक इट एज इट इज़ तो यहाँ पे अंदर देखो फाइव माइनस फाइव कैंसिल हो गया इसको मल्टीप्लाई करना है किससे से टू एक्स से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सो दिस वुड बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर सो दिस वॉज फाइव पॉइंट टू फाइव और राइट सो लेट मी राइट इट प्रॉपरली आप देखो फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव विच इज ट्वेंटी वन बाई टू times x is equal to 25 minus x square. Cross multiply kar though, so we get 21 x is equal to 50 minus 2x square. So the quadratic equation is 2x square plus 21 x and minus 50 is equal to 0. A middle term split karte, there So it will be 2x square plus 25 x and minus 4x minus 50 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स वी हैव एक्स कॉमन सो वी आर लेफ्ट विथ टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव फिर लास्ट टू टर्म्स में माइनस टू कॉमन है अगेन वी आर लेफ्ट विथ टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो सो वी हैव एक्स माइनस टू इन टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो तो या तो एक्स हमारा टू हो जाएगा दूसरा केस देखो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिस विल गिव यू एक्स एज माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू सो स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव सो दिस केस वुड बी रिजेक्टेड तो एक्स्ट जो हमने लिया था दैट वॉज वॉट दैट वॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम ओके सो वही हमें निकालना है तो आंसर विल बी टू किलोमीटर्स पर आवर इज इट ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मूविंग ऑन अब हम देखते हैं थर्टी टू का सेकेंड पार्ट जिसमें हमें कहा है अरेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वेंटी मीटर्स लॉन्ग एंड फोर्टी मीटर्स वाइड

आपको कहा है इसका एरिया जो है वो 111 एंड मीटर्स है मतलब ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है जो पाथ बना हुआ है ये पूरा एरिया आपका ओके दिस होल एरिया दिस इज गिवन टू बी 111 एंड सो दिस एरिया ए इज इक्वल टू हंड्रेड एंड मीटर्स अब क्वेश्चन क्या है फाइंड द पार्क तो हम रिज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट विथ ऑफ पार्क बी एक्स मीटर्स राइट so let width of park uh, sorry path be equal to x meters ab dekho ye nikalenge kaise ab ye shaded area jo a hai aapka aaya kaise hai it is area of outer rectangle jo bahar rectangle hai aapka minus inner rectangle so a1 minus a2 is equal to a a1 is the area of outer rectangle अब देखो outer rectangle की जो length है maan lo l है और breadth b है. तो capital l हमारा कैसे निकलेगा देखो? it will be आपके पास ये जो स्मॉल एल है यहाँ पे इंटरनल रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें एक्स इस तरफ ऐड होगा और एक्स राइट साइड पे ऐड होगा सो इट विल बी एल प्लस टू एक्स ना एल इज ट्वेंटी दैट मीन्स इट इज नथिंग बट ट्वेंटी प्लस टू एक्स सिमिलरली ब्रेथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल विल बी ये जो इनर ब्रेथ है आपकी बी इसमें एक्स ऊपर की तरफ ऐड होगा एक्स नीचे की तरफ ऐड होगा सो इट विल बी बी प्लस टू एक्स दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू फोर्टीन प्लस टू एक्स राइट तो इसमें आप चाहो तो टू कॉमन ले लो तो इट इज लाइक एक्स टू टाइम्स एक्स प्लस टेन एंड दिस इज टू टाइम्स एक्स प्लस सेवन राइट नॉलेट प्लग इन ओवर है तो एवन आउटर का एरिया है हमारा कैपिटल लेंथ इंटू ब्रेड और माइनस स्मॉल लेंथ इंटू ब्रेड और ये शेडेड एरिया आ गया हंड्रेड एंड एलेवन अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये है हमारे पास टू टाइम्स एक्स प्लस टेन इंटू टू टाइम्स एक्स प्लस सेवन और माइनस लेंथ इन ब्रेथ हमारी कितनी है 20 इंटू फोरटीन दिस इज इक्वल टू हंड्रेड एंड इलेवन तो यहाँ पे ये टू टूज ऑफ फोर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायेर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स विल बी सेवनटीन एक्स एंड प्लस सेवनटी राइट माइनस यहाँ पे हो गया टू एटी दिस इज इक्वल टू हंड्रेड एंड इलेवन सो वी हैव फोर एक्स प्लस सिक्सटी एट एक्स एंड अगेन दिस इज टू एटी माइनस टू एटी

It cannot be negative. So, this case is rejected. So, 3 by 2 means it is 1.5 meters. Alright. So, this is the width of the path. Now, let's have a look at question number 33. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. By using this theorem, prove that if in a triangle ABC, we have DE parallel to BC. तो प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी इज ए अपॉन ई सी तो इट्स लाइक प्रूविंग द थ्योरम ओनली ये देखो जैसे आपके पास ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया इज इट ऑल राइट सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी सो द रिजल्ट दैट यू हैव टू प्रूव इज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल तो हम यही ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट डी ई बी पैरल टू बी सी इज इट ऑल राइट तो हम इसी को ले लेते हैं कि डी ई e हमारे पास पैरल है किसके बी सी के तो आपने प्रूव करना है कि डिवाइड्स अदर टू तो साइड इन द सेम रेशियो दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू AE ई सी इज इट ओके अब देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं अब उसके लिए अगर आप ये वाले दो ट्राइंगल्स देखो ट्राइंगल ए डी ई एंड लुक एट ट्राइंगल

तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए सिमिलर हो गए सो वी हैव ए ए ए डी ई सिमिलर टू बी सी बाय सिमिलैरिटी कह लो या दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है वी नो दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शनल तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं ट्राइंगल ए बी सी हमारा जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई ठीक है ना तो अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पोंडिंग साइड्स वुड बी लेट मी राइट इट प्रॉपरली हेयर सो दिस इज ए बी सी तो कॉरस्पोंडिंग साइड्स देखो हमारे पास क्या हो जाएगी ए बी अपॉन ए डी अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है ए डी डी बी और ए ई e, और ई सी में रिलेशन चाहिए तो हम यहाँ पे ए डी अगर चाहते हैं तो यहाँ पे ए बी लेना पड़ेगा तो ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू फिर हमें क्या चाहिए देखो यहाँ पे ए ई e चाहिए तो अगर ए ई चाहिए तो यहाँ पे ए सी ले लो सो दिस विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई नाउ एट द फिगर ए बी कैन बी रिटर्न एज ए डी प्लस डी बी इज इंट इट नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय ए डी सो दिस इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं ए प्लस ई सी एंड दिस कैन बी डिवाइडेड बाय ए ई अब इसको सेपरेट कर दो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए डी अपॉन ए डी विच इज़ वन प्लस डी बी अपॉन ए डी दिस विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई इज वन प्लस ई सी अपॉन ए ई वन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू हाउ मच ई सी अपॉन ए ई तो जो आपने प्रूफ करना है उसके लिए आप रेसिप्रोकल ले सकते हो यहाँ पे सो टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू

Also find area of coloured sheet required to cover the toy, and you have to use pi as 22 by 7 and root 149 can be taken as 12.2. So, first we volume of toy. So, you can see it will be equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Is it all right? Now, let us write the formulas first. तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई r2 h और क्योंकि हेमिसफेयर का रेडियस भी सेम है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर विल बी 2/3 पाई r3 अब देखो दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं सो वी हैव 1/3 पाई r2 कॉमन वी आर लेफ्ट विथ h plus 2 टाइम्स r अब वैल्यूज पुट कर दो सो 1/3 पाई आपको कहा है लेना है 22/7 r इज 7 सो so 7 7 देन एच इज टेन एंड प्लस ट्वाइस ऑफ आर विल बी फोर्टीन तो ये सेवन यहां पर कैंसिल हो गया सो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू टाइम सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर एंड डिवाइडेड बाई थ्री ये कैंसिल करो एट आ गया सो ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट दिस टू बीक्वल टू वन टू थ्री टू सेंटीमीटर क्यूब सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय फिर आपको कहा है कि एरिया ऑफ कलर्ट शीट एरिया जो लेना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे एंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेंगे राइट सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखते हैं दिस इज गिवन टू बी पाई आर एल होता है वेयर व्हाट इज एल एल इज द स्लॉन्ट हाइट ऑफ द कोन विच वी आर गोइंग टू अपटेन और प्लस कर्फ्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विल बी

दिस इज 149, फोर्टी नाइन सो एल इसका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 149, फोर्टी विच इन द्वेश्चन टू तो यहाँ पे ये हो गया ट्वेल्व पॉइंट टू प्लस टू टाइम्स आर वुड बी फोर्टीन तो ये देखो सेवन कैंसिल हो गया सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी टू टाइम्स ट्वेंटी सिक्स टू ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस विल गिव यू फाइव सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर सो दैट विल बी द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कलर्ड शीट टू कवर द टॉय अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का और वाला पार्ट है द क्वेश्चन इज अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट वन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स एंड रेडियस सिक्सटी सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वॉटर ऑफ हाइट वन एटी सेंटीमीटर्स सच दैट इट टच द बॉटम फाइन द वॉल ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन तो आप ये फिगर में देख सकते हो कि कौन हमने इमर्स किया है इसके सिलेंडर के अंदर तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट चाहिए सो दिस दॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट विल बी वॉट सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वुड बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन इज इट ओके सो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो जो सिलेंडर है उसकी हम अगर हाइट को डिनोट करते हैं यहाँ पे सपोज कैपिटल एच से और कोन की हाइट को वी कैन डिनोट बाय स्मॉल एच ओके एंड द रेडियस ऑफ द बेस हेयर दिस वुड बी टेकन एज स्मॉल आर सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच और वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा वन बाई थ्री पाई आर स्कर स्मॉल एच अब देखो क्या दिया आपको कौन की हाइट आपको दी है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स दैट मीन्स स्मॉल एच इज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स एंड रेडियस इज इक्वल टू सिक्सटी सेंटीमीटर्स और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच इज गिवन टू बी वन एटी सेंटीमीटर्स तो यहाँ पर हम पहले कॉमन ले लेते हैं लेटस्टेक पाई आर स्क्वेयर कॉमन सो वी आर लेफ्ट फिथ कैपिटल एच माइनस एच ओवर थ्री Now put the values. So this is 22 by 7, R is 60, so 60 times 60, then capital H is 180 or minus 120 divided by 3. So this is equal to 22 by 7 times this would be 3600 into. Here you cancel it. Here it is 40, 180 minus 40 would be 140. 7 say cancel it. This will be

थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड देन सिक्सटी ओके अब देखो मीन लेना है तो आपके पास जैसे मिडिल टू एक्स आई जो है वो थर्टी और फोर्टी हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है ट्वेंटी थ्री की ट्वेंटी थ्री बड़ी वैल्यू है तो इसको एज्यूम्ड मीन ले लो तो हमारे पास यहाँ पे ए कितना आ गया फोर्टी तो अब ui निकालते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच तो टेन माइनस फोर्टी माइनस थर्टी एच विल बी द साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज टेन so this is थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो टू फिर कॉलम बनेगा एफ आई इंटू यू आई का सो दिस बी माइनस then देन then ट्वेंटी then then and एंड to the जन ये सम आपका आ जाएगा कितना माइनस थर्टी सेवन राइट और फ्रीक्वेंसीज़ का सम अगर आप करते हो दिस विल बी एटी सो हेयर वी आर राइटिंग द टोटल राइट अब फॉर्मूला पहले मीन का अप्लाई करते हैं फॉर्मूला फॉर मीन एक्स बार इज इक्वलोल टू फोर्टी प्लस एच कितना है टेन हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल दिस इज माइनस थर्टी सेवन एंड डिवाइडेड बाई एटी सो दिस बीवल टू फोर्टी माइनस थर्टी सेवन बाई एट विच इज़ फोर पॉइंट सिक्स टू फाइव अप्रोक्सीमेटली सो दिस विल बी इक्वल टू थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव सो दिस इज द मीन ये हमारे पास क्या आ गया मीन आ गया फिर अगर हम मोड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले मोडल क्लास देखनी है तो मोडल क्लास हमारे पास होगी क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 23 है सो मोडल क्लास विल बी दिस वन थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव राइट सो दिस इज द मोडल क्लास अब देखो मोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इट इज एल प्लस वी हैव एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू एंड मल्टीप्लाइड बाई एच इज इट ओके नाउ लेटेस्ट प्लग इन द वैल्यूज अब देखो इसमें जो L है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई हमारे पास 35 फाइव एफ वन होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज 23 थ्री एफ नॉट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास तो ये हमारा एफ नॉट हो गया ये एफ वन हो गया और एफ टू हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर द मोडल क्लास ऑल सो एफ नॉट इज ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एफ वन हो जाएगा फोर्टी सिक्स माइनस एफ नॉट विच इज ट्वेंटी वन और एफ टू है फोर्टीन और एच इज द साइज ऑफ द मॉडल क्लास विच इज टेन तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं दिस विल बी थर्टी फाइव प्लस दिस विल बी हाउ मच टू टाइम्स टेन दैट इज ट्वेंटी एंड डिवाइडेड बाई इलेवन सो दिस इज इक्वल टू थर्टी फाइव प्लस एट विच इज इक्वल टू इज इट ओके तो ये हमारे पास मोड आ गया अब आप देखो आपको इसको इंटरप्रेट भी करना है तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे मीन का मतलब है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो उनकी एवरेज एज है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एवरेज एज जो पेशेंट्स की है दैट इज 35.375 फाइव ईयर्स और मोड आपको क्या देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स किस एज ग्रुप के हैं सो वी कैन से मैक्सिमम पेशेंट्स आर ऑफ एज ग्रुप मैक्सिमम पेशेंट आर ऑफ एज थर्टी सिक्स एट ईय ओके सो दाउ यूटरप्रेटेड ना मूविंग ऑन वी हैव सेक्शन ई नाउ दिस सेक्शन हैज थ्री केस इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असैसमेंट ऑफ फोर मार्क्स ईच विथ सब पार्ट ऑफ वैल्यूज वन वन एंड टू मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन That is this. Read the text carefully and answer the question. So, the question is that Tanuj Kumar is an auto driver. His auto rickshaw was too old and he had to spend a lot of money on repair and maintenance every now and then one day he got to know about the ev scheme of government of india where he can not only get a good exchange bonus but also avail heavy discounts on the purchase of electric vehicle so he took a loan of 118000 from a reputed bank and purchased a new auto rickshaw he repays his total loan of 118000 rupees by paying every month starting with the first installment of 1000 rupees अब देखो इसके ऊपर जो पहला पार्ट है वो ये है जो आपको आंसर करना है इफ ई इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज हंड्रेड एवरी मंथ इज इट ओके देन वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द दर्टीथ इंस्टॉलमेंट तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे कर रहा है मान लो ये आपको दिया है 1000. थाउजेंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ही इज पेइंग 100 मोर सो हिल बी पेइंग 1100. हंड्रेड थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा अगेन हंड्रेड मोर दैट आपको बताना है ना दैट इज हंड्रेड सो फॉर्मिंग एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस आपके पास हंड्रेड है और एक तरह से फर्स्ट टर्म कितनी हो गई थाउजेंड तो ये एपी की एक तरह से आपको थर्टीएथ टर्म बतानी है कि क्या होगी तो वी नो दैट इन एन ए पी फॉर्मूला फॉर एन एस टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यहां पे थर्टी टर्म का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ट्वेंटी डी सो दिस इज इक्वल टू वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी हंड्रेड इज इट ओके सो दिस इज इक्वल टू थाउजेंड प्लस ट्वेंटी नाइन हंड्रेड दैट मीनस इन द दर्टीयथ इंस्टॉलमेंट ही इज पेइंग थर्टी नाइन हंड्रेड रुपीज इज इट ओके अब देखो इसी में आगे चलते हैं अब जैसे इसके सब पार्ट्स हमारे पास हैं क्वेश्चन के अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सो इट विल बी दिस अगेन क्वेश्चन वही है देखो कि ही टुक अ लोन ऑफ वन लैक एटीन थाउजेंड रुपीज इज इट ओके सो दिस मच एंड अगेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज दिस मच नॉट द सेकेंड इज इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई रुपीज हंड्रेड रुपीज एवरी मंथ देन वॉट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द थर्टीथ इंस्टॉलमेंट अब देखो हमने पिछले पार्ट में ये कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि जिसे हमारे पास ए पी बन रही थी जिसकी फर्स्ट टर्म थी हमारे पास हंड्रेड थाउजेंड वन थाउजेंड और कॉमन डिफरेंस था आपके पास हंड्रेड और हमने थर्टीयथ टर्म भी निकाल ली थी दैट केम आउट टू बी थर्टी नाइन हंड्रेड तो आपको बताना है कितना अमाउंट लोन का बच जाएगा आफ्टर तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि ए से लेकर ए तक का सम कितना है कितना अमाउंट वो पे कर चुका है तो ये थर्टी टर्म्स के सम का फार्मूला लगाने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज एन बायस एन माइनस वन इन टू डी राइट सो एन हमारा थर्टी है सो दिस विल बी थर्टी बाई टू टाइम्स टू टाइम्स ए Which is 2 times 1000, and plus we have n minus 1 means 29 times d, which is equal to 100. Alright? Here, this formula n by 2 a1 plus a30 because last term we have So, whichever way you can do it, so this is 15 times, this is 2000, and plus we have 2900. Alright? So, this on solving S30 will come out to be. सेवन थ्री फाइव जीरो जीरो राइट सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो देर अमाउंट लेफ्ट अमाउंट लेफ्ट हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल उसने कितना लोन लिया था वन लैक एटीन थाउजेंड तो उसमें से आप माइनस कर दो सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो द अमाउंट लेफ्ट विल बी इक्वल टू फोर्टी फोर सो दिस मच विल बी दफ्ट या फिर देखो इसमें और वाला पार्ट है

अगेन दिस इज एन ए पी जिसकी फर्स्ट टर्म एक तरह से वही है थाउजेंड जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी कॉमन डिफरेंस इस बार आपका कितना हो गया टू हंड्रेड तो अगेन ए फोर्टी वुड बी इक्वल टू ए प्लस थर्टी नाइन डी एन एच टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने सो दिस विल बी इक्वल टू थाउजेंड प्लस थर्टी नाइन टाइम्स टू हंड्रेड इज इट ऑल राइट सो दिस इज इक्वल टू थाउजेंड प्लस थर्टी नाइन टाइम्स टू हंड्रेड वुड टू हाउ मच सेवेंटी एट हंड्रेड

हंड्रेड रुपीज़ इंक्रीज हैं तो अगली टर्म इलेवन हंड्रेड हो गई थर्ड टर्म कितनी हो गई ट्वेल्व हंड्रेड हो गई एंड सो ऑन तो अब आपको इसकी हंड्रेड टर्म बतानी है कि वॉट अमाउंट इज पेड इन दी हंड्रेथ इंस्टॉलमेंट तो अगेन एन एच टर्म का फॉर्मूला जिसे हम लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो दिस वुड बी इक्वल टू ए हंड्रेड विल बी इक्वल टू ए प्लस नाइन्टी नाइन टाइम्स डी तो एज थाउजेंड प्लस वी हैव नाइन्टी नाइन टाइम्स 100 right common difference is 100 so this is equal to 1000 plus 9900 which will be equal to 10900 is it okay so this will be the amount paid by him in the 100th installment moving on let's have a look at question number 37 read the text carefully and answer the questions in an examination hall Students are seated at a distance of 2 meters from each other to maintain the social distance due to corona virus pandemic. Let three students sit at point A, B and C. to A ke coordinates aapko diye hain 4, minus 3. coordinates of B are 7, comma 3. aur C ke coordinates hain 8, comma 5. तो पहला है what is the distance between AC? तो इसमें आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. So this distance formula you know is given by under root of

विथ सिक्सटीन फाइव दैट मीन्स फोर रूट फाइव वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एन सी अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं अगेन आपके पास ए बी सी वही पॉइंट्स हैं देखो ए के कॉर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा माइनस थ्री बी हैज कॉर्डिनेट्स सेवन कामा थ्री एंड सी हैज कॉर्डिनेट्स एट कामा फाइव तो आपको कहा है इफ इन इनविजिलेटर एट पॉइंट आई लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बी एन सी इज सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दम इन द रेशो वन इज टू टू तो ये देखो जैसे आपके पास ये लाइन सेगमेंट है बी सी तो इन विजिलेटर जो है इसी लाइन के ऊपर है और इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो वन इज टू टू देन वट आर द कॉर्डिनेट ऑफ आई इन विजिलेटर तो बी के कॉर्डिनेट्स हमारे पास है सेवन कॉमा थ्री सी के कॉर्डिनेट्स हैं एट कॉमा फाइव तो इंटरनल डिविजन है सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर सेक्शन फॉर्मूला और राइट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई तो कैसे अप्लाई करेंगे वन को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है हमने और टू को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी वन इन टू एट दैट इज एट टू टाइम्स सेवन इज फोर्टीन एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस टू सिमिलरली वाई कॉर्डिनेट वन टाइम्स फाइव इज फाइव टू टाइम्स थ्री इज सिक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू सो देरफोर आई के हमारे पास कॉर्डिनेट्स कितने आ गए ट्वेंटी टू बाई थ्री कॉमा इलेवन बाई थ्री राइट या फिर उसका दूसरा पार्ट और वाला पार्ट देखो क्या है ए so के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा माइनस थ्री सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एट कॉमा फाइव तो आपको बताना है बी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है तो रिज्यूम कर लो लेट बी डिवाइड ए सी इन द रेशो केस टू वन राइट तो सेक्शन फॉर्मूला से देखो फिर से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम वन विल बी मल्टीप्लाइड ऑन दिस साइड सो इट विल बी एट टाइम्स के प्लस डिवाइडेड बाय वन एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी फाइव के माइनस थ्री डिवाइडेड बाय के प्लस वन अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है दे आर गिवन टू बी सेवन कॉमा थ्री तो कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट वी गेट 8k के प्लस फोर डिवाइडेड बाय के प्लस वन दिस इज इक्वल टू सेवन सो दिस एम्प्लाइज वी हैव 8k के प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन के प्लस सेवन दैट मीन्स वी गेट वैल्यू ऑफ k एस थ्री बट सी यू हैव टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो और अगर k की वैल्यू अन आती है मतलब पॉइंट्स कुलीनियर ही नहीं है So, let us now compare the y coordinates. So, 5k minus 3 over k plus 1 is equal to 3. This implies we have 5k minus 3 is equal to 3k plus 3. That means we get 2k is equal to 6, that means k is 3. So, the same value are math points linear so therefore the ratio we had assumed as k is to 1. So that means रेशियो इज थ्री इज टू वन बिकॉज वैल्यू ऑफ के इज थ्री राइट अब इसी क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट जो है वो ये है फिर से आपको यही दिया है कि ए बी सी के कॉर्डिनेट्स वही है वॉट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एन सी तो ये देखो ए के कॉर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं फोर कॉमा माइनस थ्री एंड कॉर्डिनेट्स ऑफ सी आर केवन टू बी एट कॉमा फाइव तो यू नीड टू फाइंड कॉर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा एम का क्या हो जाएगा इफ एम इज मिड पॉइंट एक्स वन प्लस प्लग इन द वैल्यूज तो हमारे पास हो गया फोर प्लस एट ओवर टू कॉमा माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू दैट मीन्स इट विल बी ट्वेल्व बाय टू विच इज सिक्स टू बाई टू दैट इज वन सो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट राइट now let's have a look at one last question. question number 38. 38 question. hamara yeh ki Harsh lives in a multi-storey building. initially his driving was rough, so his father keeps an eye on his driving. once he drives from his house to mohali, his father was standing on the top floor of the building. at point a, as shown in the figure, So, look here in the figure, yahape father is standing at the top floor of the building. all right. now at point c,

तो अब उसी पॉइंट से हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है एक्स इज व्हाट एक्स इज दिस डिस्टेंस एज यू कैन सी इन द फिगर दैट इज बी सी इज इट ओके तो ये हमें डिस्टेंस जो है एक्स फाइंड आउट करना है अब देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉ यू कैन सी या दिस डिस्टेंस बी सी नो लुकअ वट वी कैन डू हेयर इज दैट ये वाला एंगल जो आपका है एंगल ए सी बी दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री तो हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हो गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी में आप नोटिस करो आपके पास ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है अगर हम इसको एच एज्यूम कर लें ऑल राइट लेटर्स एज्यूम एच टू बी द height of building we assume this so we take tan because we are interested in base and height so tan 60 degree will be equal to h over x right so tan 60 degree ki value hoti root 3 so root 3 is h over x that means h can be taken as root 3 times x ab dusra right triangle lo triangle adb triangle a d and अब इसमें भी हम रेशो टेन थर्टी डिग्री लेते हैं नाउ परपेंडिकुलर इज एच दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड बेस इज नाउ डी बी विच यू कैन सी इज ट्वेंटी प्लस एक्स इज इट ओके अब टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू है हमारी वन बाय रूट थ्री दिस इज इक्वल टू एच विच इज हाउ मच रूट थ्री एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी प्लस एक्स तो पूरी इक्वेशन एक्स की टर्म्स में आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्या निकालना था एक्स की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारे पास है आगे चलते हैं लेटेस्ट लुकेट द सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो यहाँ पे आपको ये एच निकालना है सी दिस वॉज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और अभी हमने कहा था कि हमारे पास एच कितना था रूट थ्री एक्स था एंड वी हैव ऑपटेन्स एस टेन सो देर फोर अगर हम एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इट विल बी टेन रूट थ्री एंड द यूनिट विल बी मीटर्स और वाला पार्ट इसका ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड कार एट पोजिशन सी तो दैट मीन्स आपको ये डिस्टेंस एक तरह से ए निकालना है ए सी एंड दिस एंगल वॉज हाउ मच दिस वॉज सिक्सटी डिग्री ऑल राइट तो अगर आपको ए चाहिए तो आपको एक्स भी पता है एच भी पता है कुछ भी ले सकते हो तो ट्राइंगल ए सी बी में इफ यू टेक टेकटी डिग्री यू नो दैट इट विल बी बेस अपॉन अपॉन दैट विल्सटी की वैल्यू है वन बाई टू एक्स हमने टेन निकाला था डिवाइडेड बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई सो ए कम्स आउट टू बी ट्वेंटी सो देर फोर दिस डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर्स इज इट ऑल राइट अब आगे चलते हैं इसी का अगला पार्ट लास्ट पार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड कार एट पोजिशन डी सो दैट मीन्स इसको अगर हम बी मान लें तो आपको ए डी जो है बी वो फाइंड आउट करना है तो इसके लिए देखो ये वाला एंगल हमारा कितना था 30 डिग्री सो अस कंसिडर दिस ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी बी ए डी बी में वी नो दैट दिस वॉज एच तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 10 root 3. Remember. So, what we can do is we can take sine 30 degree. This will be equal to perpendicular upon hypotenuse. That means AB upon AD. So, that means sine 30 is 1 by 2. AB is H divided by AD, B which we want to obtain. So, H ki value put kar do, which was 10 root 3 divided by B. Cross multiply. Value of B is 20 root 3. Alright, so therefore this distance AD is coming out to be 20 root 3 meters. Alright, so this was your class 10 standard uh, paper CBSC. I hope your doubts are clear.